नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ शुरू हो गया है। शिप्रा नदी में पहला शाही स्नान सुबह 3 बजे शुरू हो गया। 13 अखाड़ों के साधु संत डुबकी लगा रहे हैं। लाखों श्रद्धालु भी शिप्रा नदी में शाही स्नान कर रहे हैं। 1 महीने तक चलने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 18 मार्च से पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 29 अप्रैल को विधानसभा में उनका बहुमत परीक्षण होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। शांति प्रक्रिया बहाल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा, भारत जब तैयार होगा पाकिस्तान वार्ता के लिए तैयार रहेगा। साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, ये सवाल बार बार पूछा जाता है और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि दोनों पक्षों में क्या शब्द इस्तेमाल किए। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दो पड़ोसी हैं जिन्हें शांति और सौहार्द से रहना होगा। इक्वाडोर में सप्ताह में आए भीषण भूकंप के बाद आए 6.1 तीव्रता के भूकंप के बाद झटके ने लोगों को और अधिक नुकसान की आशंका से डरा कर रख दिया। इस दौरान घबराए हुए निवासी अपने घरों से बाहर सड़कों की ओर भागने लगे। भूकंप बाद का ये झटका गुरुवार तड़के आया। ये गत शनिवार को 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद आया, अब तक का सबसे तगड़ा झटका था। शनिवार को आए भूकंप में 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पोर्ट्रे विजो में कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और वे एक पूर्व हवाई अड्डे पर चले गए हैं जहां अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। शराब व्यापारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो बैंकों को 6,868 करोड़ रुपए लौटाने को तैयार है। इससे पहले माल्या ने 4,400 करोड़ रुपए लोन चुकाने को लेकर समर्थता जाहिर की थी। माल्या पर भारतीय बैंकों का कुल 9,000 करोड़ रुपए लोन बकाया है। हालांकि माल्या भारत वापस लौटने के सवाल पर चुप्पी साध रहे हैं। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो बैंकों को ज्यादा से ज्यादा 6,868 करोड़ रुपए लौटा सकते हैं। माल्या ने यह भी कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को फिर से चलाने की कोशिशें बढ़ते तेल के दामों, ऊंची टैक्स दर और खराब एयरक्राफ्ट इंजन की वजह से पूरी नहीं हो सकी। इन सब की वजह से उन्हें और उनके परिवार यूबी ग्रुप और किंगफिशर फिनवेस्ट को 6,107 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में 1 दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। याद रखें, शीघ्र उपचार जान बचाएगा, विलंब घातक होगा। हमारी जिंदगी हमारी लड़ाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आध्यात्मिक गुरु रविशंकर ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से वार्ता शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन संगठन ने एक सर कटे व्यक्ति की तस्वीर भेजकर इस प्रयास पर उन्हें झिड़क दिया था। उन्होंने कहा, मैंने हाल में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक व्यक्ति के सर कटे शव की तस्वीर भेज दी। इस तरह से ISIS के साथ मेरे शांति वार्ता के प्रयास का अंत हो गया। देश में 4-5 दूरसंचार कंपनियों का एक कॉटेल 1 अरब ग्राहक जोड़े हुए हैं और रोजाना 250 करोड़ रुपए कमा रहा है, पर वे सेवा को बेहतर बनाकर कॉल ड्रॉप रोकने के लिए
अपने नेटवर्क पर आवश्यक निवेश नहीं कर रही है। ये बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को बताई। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, करीब 4-5 दूरसंचार कंपनियों का एक कॉटेल है जिनके ग्राहकों की संख्या 1 अरब है। टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बड़े बेटे समित उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। समित द्रविड़ ने बैंगलोर में खेले गए अंडर 14 टूर्नामेंट के एक मैच में सेंचुरी ठोकी। राहुल द्रविड़ इन दिनों दिल्ली डेयरडेविल्स के मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं और समित ने बैंगलोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की ओर से 12 चौकों की मदद से 125 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने ये पारी फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल में खेली। फिल्मकार करण जौहर ने कैटरीना और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म बार बार देखो की पहली झलक सोशल साइट ट्विटर पर जारी की। फोटो में एक समुद्र तट पर सिद्धार्थ और कैटरीना मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। जौहर ने ट्विटर पर लिखा, कैटरीना और सिद्धार्थ अभिनीत बार बार देखो की पहली झलक फिल्म के निर्माता रितेश सिद्धवानी, करण जौहर और फरहान अख्तर है, जबकि निर्देशक नित्या मेहरा है। फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे उसके भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है और फिर वो कैसे उस परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करता है। इस प्रेम कहानी की अधिकतर शूटिंग स्कॉटलैंड के ग्लासगो, बैंकॉक के क्रॉबी और दिल्ली में हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु अपने बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर से 30 अप्रैल को शादी करने जा रही हैं। वो अपनी शादी के सभी काम खुद कर रही हैं। बिपाशा ने अपनी मेहंदी फंक्शन के लिए गुलाबी रंग की थीम चुनी है। आपको बता दें कि मेहंदी की रस्म 29 अप्रैल को जुहू में गुलाबी लाइट्स में होगी। बिपाशा हर फंक्शन की छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखती हैं। जरूरत पड़ने पर वो अपने मंगेतर करण से भी मदद लेती हैं। बिपाशा चाहती हैं कि उनके परिवार वाले उनकी शादी को पूरी तरह एंजॉय करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।